हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो देखिए, अभी हमारा लेसन चल रहा है इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोग्रामिंग ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर, जिसमें हम लोगों ने कुछ उसका बेसिक पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने देखे थे एड्रेसिंग मोड्स एंड हम लोगों ने उसके बाद में प्रोग्रामिंग मॉडल भी देखे, जो कि प्रोग्रामिंग मॉडल जो है वो डिडक्ट हो चुका है, लेकिन आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, काफी सिंपल सा है, लेकिन आप लोग उसको स्किप ना करो। ठीक है, क्योंकि वो पढ़ना जरूरी है, रजिस्टर्स के बारे में वो आप लोगों को पढ़ना है। हम लोगों ने एड्रेसिंग मोड्स देखे कि किस तरीके से आप लोग अपन डेटा को एड्रेस करते हैं। ठीक है, मतलब रजिस्टर में रखते हैं, एड्रेस में रखते हैं, डायरेक्ट डेटा देते हैं इंस्ट्रक्शन में। हम लोगों ने कुछ इंस्ट्रक्शन भी देखे थे, ठीक है, एज ए एग्जांपल एड्रेसिंग मोड्स में। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एक्चुअल और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, पूरा का पूरा लेसन ही उसी के ऊपर है, और वो है इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, हम लोग जो भी प्रोग्रामिंग करने वाले वो सारी इंस्ट्रक्शन सेट के ऊपर डिपेंड है। ओके, इंस्ट्रक्शन सेट के थ्रू ही अपन प्रोग्रामिंग कर सकेंगे। तो आखिर ये इंस्ट्रक्शन होती क्या है? ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर में ये जो इंस्ट्रक्शन है ये क्या काम करती है और हमें क्यों इसको पढ़ना है? तो सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि जो माइक्रो प्रोसेसर है वो खुद से कुछ काम नहीं कर सकता, ये तो आप लोगों को पता ही है। अब देखो, आप लोगों को कुछ काम करवाना है माइक्रो प्रोसेसर से, नंबर ऐड करवाना है, फिर डेटा ट्रांसफर करवाना है, मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशन अगर आप लोगों को करवाने, खुद तो नहीं कर सकता वो। अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी कि भाई तू तेरे को ऐसे ऐसे काम करने हैं। ठीक है, मतलब ये रजिस्टर से डेटा लेना है, उस रजिस्टर से डेटा लेना है, इस डेटा को ऐड करना है, उस डेटा को इंक्रीमेंट करना है, उस डेटा को मूव करना है, ये सारी जो चीजें हैं ना ये अपन काय के थ्रू कर सकते हैं। मतलब ये जो सारे फंक्शन है ये टाइप के क्या हो गए, फंक्शन है। अपने को अगर कुछ फंक्शन करवाना होगा तो अपन काय का यूज करेंगे, इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, तो वही इंस्ट्रक्शन के बारे में अपने को पढ़ना है। तो आप लोगों को टोटल 5 तरीके की इंस्ट्रक्शन पढ़नी है, ठीक है, इस लेसन में। तो इंस्ट्रक्शन क्या है वो आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके अपन अभी देखते हैं इंस्ट्रक्शन कितने टाइप्स की है। तो अपने को टोटल 5 तरीके की इंस्ट्रक्शंस देखनी है। तो इसमें सबसे पहली अपनी डाटा ट्रांसफर। ठीक है, अपन अभी देख रहे हैं इंस्ट्रक्शन सेट। एक्चुअल में इंस्ट्रक्शन का मतलब आप लोगों को पता चल गया, और इंस्ट्रक्शन सेट मतलब ये जो आप लोग बहुत सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ने वाले हो, ठीक है, ये सारे क्या है, इंस्ट्रक्शन सेट है। तो पहली है यहाँ पे डाटा ट्रांसफर। ठीक है, डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। ओके, देन आफ्टर है इसके बाद में डाटा ट्रांसफर के बाद में है अपनी अरिथमेटिक। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस आ जाएगी। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस करना है तो अपने को अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस पढ़नी पड़ेगी, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। देन आफ्टर है फिर लॉजिकल होगी फिर इसके बाद में। ठीक है, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, लॉजिकल ऑपरेशंस करने के लिए अपने को लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस का यूज करना पड़ेगा। देन फिर फोर्थ नंबर में आप लोगों को ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस, एक्चुअल में आप लोग इसको ग्रुप भी कर सकते हो। ठीक है, डेटा ट्रांसफर ग्रुप, मतलब आप लोग यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने वाले हो, मतलब डेटा ट्रांसफर करने के लिए कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस लगती है वो। ठीक है, इसको भी अपन ग्रुप कह सकते हैं, इसको भी ग्रुप। ठीक है, ये ग्रुप में आप लोग ले सकते हो। ठीक है, इसको डायरेक्ट मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ग्रुप, या फिर आप लोग इंस्ट्रक्शंस भी लिखोगे तो चल जाएगा। देन है फिफ्थ नंबर पे आप लोगों को इनपुट आउटपुट स्टैक वगैरह। ठीक है, मतलब मेमोरी पॉइंट वगैरह, अपन जो करते हैं ना मेमोरी में किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस कैसे एग्जीक्यूट वगैरह होगी, उसके लिए भी इंस्ट्रक्शंस है। तो उसको इनपुट आउटपुट, या फिर अपन इसको मशीन कंट्रोल भी बोल सकते हैं, मशीन कंट्रोल, एंड इसमें स्टैक की भी इंस्ट्रक्शंस आ जाती है। ठीक है, ये अपन जब पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को इसके बारे में समझा दूंगा। ठीक है, और एक स्टैक। ओके, ये स्टैक, तो ये इंस्ट्रक्शंस हो गई। ऐसी टोटल अपने को 5 तरीके की इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है। पहला हम लोग देखेंगे डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, मीन्स डेटा कैसे ट्रांसफर किया जाता है एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर या फिर एड्रेस। ठीक है, तो ये डेटा ट्रांसफर देखेंगे। उसके बाद अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस में वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और काफी सारी चीजें। ठीक है, देन इसके बाद में लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। लॉजिकल इंस्ट्रक्शन मीन्स एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, ये जो चीजें हैं ये हम लोग लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में देखेंगे। देन देखेंगे फिर हम लोग फोर्थ नंबर में ब्रांचिंग ग्रुप, मतलब जंप करना है, इफ कंडीशन, कंडीशन वगैरह देनी है तो अपन ब्रांचिंग ग्रुप का यूज करेंगे। देन लास्ट ये मशीन कंट्रोल स्टैक ग्रुप, मतलब प्रोग्राम को हार्ड कैसे करना है, बिगिन कैसे करना है, बिगिन करने के लिए ये हम लोग फिफ्थ नंबर की जो इंस्ट्रक्शंस ग्रुप है वो यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को आज सबसे पहले देखना है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, एक साथ हम लोग पूरे देख ही नहीं सकते क्योंकि बहुत सारी होती है, एक एक में 15-15, 20-20 हम लोगों को देखने मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे एक एक लेक्चर में। तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन काफी इजी है, मैं आप लोगों को जिस तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और ज्यादा एकदम लोड लेके नहीं पढ़ना है आप लोगों को, एकदम सिंपल वे में
बस जो इंस्ट्रक्शन है इसका आप लोगों को पर्पस ध्यान में रखना है कि वो काय के काम में आती है, ठीक है, प्रोग्रामिंग में तो काम में आएगी, ठीक है, प्रोग्रामिंग में तो काम में आएगी, लेकिन एग्जाम में आप लोगों को ये आते हैं, इंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है, ठीक है, आप लोगों को डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, उसको एक्सप्लेन करने बोलेगा, एक्सप्लेन में आप लोग ये बताओगे कि वो इंस्ट्रक्शन क्या काम करती है, काम करने के बाद में उसमें उसका पर्पस, उसका एग्जाम्पल, ये सारी चीजें आप लोगों को देनी पड़ेगी। तो अभी हम लोग एक एक इंस्ट्रक्शन देखेंगे। सबसे पहले तो आप लोग देखो डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन मीन्स डेटा कैसे ट्रांसफर होगा एक जगह से दूसरे जगह, उसकी इंस्ट्रक्शन है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हमारी पहली इंस्ट्रक्शन है, आप लोगों की यहाँ पे पहली इंस्ट्रक्शन आ जाती है मूव R1, R2। ये पहली इंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ पे आप लोगों को काफी सारी चीजें आप लोगों को बुक में इसके पॉइंट्स दिए गए, वो मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझा के बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को ये देखना है कि ये जो इंस्ट्रक्शन ये कितने बाइट की है, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे हम लोग कोई डेटा वेटा यूज नहीं कर रहे, मतलब अपन कोई डायरेक्ट डेटा वगैरह नहीं दे रहे, हम लोग ने सिर्फ एक रजिस्टर स्पेसिफाई किए और ये दूसरा रजिस्टर स्पेसिफाई किए, ठीक है, और यहाँ पे मूव इंस्ट्रक्शन लिखिए। तो ये जो पूरी इंस्ट्रक्शन है इसका साइज है 1 byte। कितना साइज है इसका? 1 byte साइज है। आप लोग पॉइंट में लिखोगे दिस इंस्ट्रक्शन इज 1 byte इंस्ट्रक्शन, ठीक है, 1 byte इंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ पे आप लोगों को इसका एड्रेसिंग मोड भी लिखना पड़ेगा, इसका एड्रेसिंग मोड भी लिखोगे। इसका एड्रेसिंग मोड क्या है? इसका एड्रेसिंग मोड अगर आप लोग याद करोगे तो अपन सोर्स में क्या यूज करते हैं, सोर्स में अपने को क्या क्या यूज करना होता है वो आप लोग एक बार देख लो। इम्प्लाइड में क्या होता है? फिक्स होती है, ठीक है, मतलब आप कोई ऐसे सोर्स हो नहीं होता है, एक ही फिक्स होता है वहां पे। अगर आप लोग रजिस्टर यूज कर रहे हो एज ए सोर्स तो क्या कौन सा एड्रेसिंग मोड होता है? रजिस्टर एड्रेसिंग होता है, ठीक है। एड्रेस यूज कर रहे हो तो वो डायरेक्ट एड्रेसिंग होती है, उसके बाद में अगर आप लोग डेटा यूज कर रहे हो तो वो इमीडिएट एड्रेसिंग होती है, और अगर आप लोग पेयर में अगर रजिस्टर्स वगैरह यूज कर रहे हो, ठीक है, आप लोग पेयर अगर यूज कर रहे हो तो वो होती है इनडायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसमें अपन क्या यूज कर रहे हैं? रजिस्टर यूज कर रहे हैं। यहाँ पे R1 और R2 क्या है? रजिस्टर है। ये एक अलग रजिस्टर है, ये एक अलग रजिस्टर है, ठीक है। तो एड्रेसिंग मोड में अपन क्या करेंगे? एड्रेसिंग मोड आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पे रजिस्टर एड्रेसिंग, ठीक है। आप लोग ऐसा लिखोगे एग्जाम में अगर आती है तो इंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करने के लिए, रजिस्टर एड्रेसिंग आ जाएगा। अब देखो ये भी एक रजिस्टर है, ये भी एक रजिस्टर है, ये रजिस्टर कोई भी हो सकते हैं। हमने टोटल कितने रजिस्टर देखे हैं? टोटल 10 देखे, लेकिन उसमें जो लास्ट के दो है वो अलग मशीन कंट्रोल वगैरह, वो अलग चीज है, ठीक है। स्टैक पॉइंटर वगैरह जो प्रोग्राम काउंटर के इंस्ट्रक्शन वगैरह एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होते हैं, वो दोनों का अपने को काम नहीं है। यहाँ पे फ्लैग रजिस्टर का भी कोई काम नहीं है, क्योंकि फ्लैग रजिस्टर तो स्टेटस को स्टोर करके रखता है। यहाँ पे आप लोगों के कौन से रजिस्टर्स काम आएंगे देखो, ठीक है। एक्यूमुलेटर सबसे इंपॉर्टेंट, एक्यूमुलेटर तो आएगा ही आएगा, ठीक है, काम में एक्यूमुलेटर आता है। एक्यूमुलेटर के बाद में आप लोग यहाँ पे बी कर सकते हो यूज, सी भी कर सकते हो, डी भी कर सकते हो, ई भी कर सकते हो, एच भी कर सकते हो, एल भी कर सकते हो, ठीक है। तो R1, R2 कोई भी हो सकते हैं, ए भी हो सकते हैं, बी भी हो सकते हैं, सी डी ई एच एल हो सकते हैं, फ्लैग वगैरह नहीं होंगे यहाँ पे। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख लेंगे अपन कि मूव करेंगे हम लोग डेटा, हम लोग ए लिखेंगे और यहाँ पे बी लिख देंगे। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ए का अपना एक रजिस्टर है एक्यूमुलेटर, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कोई भी यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पे एच भी लिख सकता हूँ, डी भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है वो देखो, मुझे एक्चुअल में मतलब ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, ये एक्चुअल में है, ये जो बी है, बी में एक डेटा रहेगा, बी एक रजिस्टर है, बी में एक सपोज डेटा रहेगा, और ए क्या रहेगा? ये खाली रहेगा सपोज यहाँ पे, या फिर उसमें भी डेटा रह सकता है, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन का काम क्या है वो अपने को देखना है। ये इंस्ट्रक्शन जो बी में जो डेटा रहेगा उसको मूव करेगी ए में, क्या करेगी? बी में जो डेटा रहेगा उसको मूव करेगी ए में, मतलब सीधी सी बात है ये अपने डेटा को कॉपी करेगी एक्चुअल में, ठीक है, मतलब बी से डेटा कॉपी होके ए में चले जाएगा। मतलब ए में अगर पुराना अगर कोई भी डेटा रहेगा वो लॉस हो जाएगा और यहाँ पे नई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, मतलब नया डाटा आ जाएगा इसकी हेल्प से, इस इंस्ट्रक्शन की हेल्प से। तो बाद में ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए का डाटा क्या हो जाएगा, बी के इक्वल हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, यहाँ पे बी का डाटा हम लोग क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, किसमें? ए में मूव कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी इंस्ट्रक्शन है, आप लोगों को ये देखना पड़ेगा, ओके। तो ये हो गई आप लोगों की पहली इंस्ट्रक्शन, देन अभी हम लोग सेकेंड इंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो सेकेंड इंस्ट्रक्शन भी कुछ इसी तरीके से आएगी आप लोगों की, सेकेंड इंस्ट्रक्शन भी कुछ इसी तरीके से आएगी। अब सेकेंड इंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे वो देखो, सेकेंड इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आएगी आप लोगों की मूव R, M,
ठीक है, मैंने कल आप लोगों को एम का मतलब समझाया था, एम का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने एम का मतलब समझाया हो, ओके, एम का मतलब क्या होता है। तो ये सेकेंड वाली इंस्ट्रक्शन है अपनी मूव आर एम, यहाँ पे आर का मतलब है रजिस्टर, क्या है रजिस्टर, ये रजिस्टर कोई भी हो सकता है, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एच एल कोई भी हो सकता है, ठीक है। एम का मतलब मैंने आप लोगों को समझाया था, ये एम का मतलब होता है एच एल पेयर, एच एल पेयर। अब ये एच एल पेयर एक्चुअल में क्या करती है, ये एच एल पेयर एड्रेस होल्ड करके रखती है, एड्रेस को होल्ड करके रखेगी। अब जैसे एक एच एल पेयर है, एच एल में सपोज एक एड्रेस है 1002 हेक्साडेसिमल में रहता है, ठीक है, एड्रेस भी हेक्साडेसिमल में रहता है और 16 बिट में रहता है, कितने बिट में, 16 बिट में। तो एच एल में एड्रेस है, अभी क्या है, एड्रेस है। एक्चुअल में जब भी हम लोग एम का यूज करते हैं तो वो जो एड्रेस है उस एड्रेस के अंदर में, मतलब सीधी सी बात है कि अगर जो भी मेमोरी है अपनी, वो मेमोरी में, मेमोरी की जो एड्रेस रहती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया अगर उसमें है तो उसका एड्रेस भी होगा, ठीक है, मेमोरी में एड्रेस रहता है हर एक स्पेस का। तो ये जो एम है, ये एम में एड्रेस रहेगा, ठीक है, वो एक जगह का एड्रेस रहेगा। तो एक्चुअल में एड्रेस के साथ हम लोग कुछ नहीं कर रहे, उस एड्रेस के अंदर में जो उसका कंटेंट है उसके साथ में हम लोग कुछ ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो काफी सिंपल सा है। अभी हम लोगों को करना क्या है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एम का मतलब है एच एल पेयर, क्या है, एच एल पेयर। अब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जब भी हम लोग पेयर का यूज करेंगे तो वो काय में आ जाता है, रजिस्टर इनडायरेक्ट में आ जाता है। तो सिंपल सा इसका एड्रेसिंग आप लोगों को याद रखना है, इसका एड्रेसिंग आ जाएगा आप लोगों का रजिस्टर इनडायरेक्ट, ठीक है, रजिस्टर इनडायरेक्ट याद रखना, क्योंकि यहाँ पे पेयर यूज हो रहा है। एम का मतलब क्या है, एच एल पेयर, तो रजिस्टर इनडायरेक्ट में आ जाएगा वो, उसको आप लोग अलग कर दो अभी फिलहाल के लिए, ये रजिस्टर इनडायरेक्ट। और ये जो है, ये जो आप लोगों की इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन भी आप लोगों की आ जाएगी वन बाइट में आ जाएगी, ठीक है, वन बाइट ही इंस्ट्रक्शन है, ये वन बाइट इसका साइज है। अब देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है, मूव एक्चुअल में यहाँ का डाटा यहाँ पे आने वाला है, ठीक है, यहाँ का डाटा यहाँ पे आने वाला है। अब ये क्या है, एच एल है, एच एल है, और एच एल में क्या है, एक एड्रेस है, ठीक है, एक एड्रेस कौन सा, 1002। अब एक मेमोरी अपनी, अब मेमोरी में ये अपने स्लॉट से बने हुए, ठीक है, ये एक मेमोरी है। अब यहाँ पे अलग अलग एड्रेस है, 1001 है, 1002 है, 1003 है, सिर्फ बहुत सारे है। अब 1002 में सपोज 56 डेटा है, क्या है, 56 हेक्साडेसिमल डेटा है, 56 अगर उसमें है तो इसकी ये जो इंस्ट्रक्शन है इसकी हेल्प से क्या होगा। अब यहाँ पे एच एल में अपन ने क्या लिखा है, 1002, तो वो किसको पॉइंट कर रहा है, ये 56 को पॉइंट कर रहा है, तो 56 मूव हो जाएगा इस रजिस्टर में, इस रजिस्टर में क्या हो जाएगा, 56 मूव हो जाएगा। तो अगर मैं एक एग्जांपल दू, मूव और यहाँ पे मैं लिख दू बी और कॉमा एम लिख दू, एम का मतलब होता है एच एल, मुझे एम ही लिखना है, तो क्या होगा, एच एल में जो एड्रेस रहेगा उस एड्रेस में जो कंटेंट रहेगा वो कंटेंट क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा, किसमें, बी में मूव हो जाएगा। यही है सिंपल, इसमें और मैं ज्यादा कुछ आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बस आप लोग इतना ध्यान में रखो कि एच एल पे क्या रहता है, एड्रेस रहता है, उस एड्रेस में जो कंटेंट रहेगा वो कंटेंट क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा इस इंस्ट्रक्शन की हेल्प से। आप लोग यहाँ पे बी यूज कर सकते हो, सी यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है, मतलब ए बी सी डी जो भी है। अभी मैं फिलहाल इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, आप लोग अभी समझ जाओ इसको, इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं ऐसा। इसके बाद में हम लोग देखेंगे दूसरी इंस्ट्रक्शन, दूसरी इंस्ट्रक्शन में देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको थोड़ा चेंज कर देंगे। हम लोगों ने पहले आर एम लिखे, अब यहाँ पे एम लिखेंगे और फिर इधर आर लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा वो देखो, अब यहाँ पे उसका उल्टा हो जाएगा। अब रजिस्टर का डेटा कहाँ पे जाएगा, उस एड्रेस में जाएगा, यहाँ पे जो एच एल रहेगा ना, मतलब एम मतलब एच एल ही, वो जो एड्रेस रहेगा उस एड्रेस में रजिस्टर का डेटा मूव हो जाएगा। तो जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दू अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा मूव, और यहाँ पे एम रहेगा और यहाँ पे बी रहेगा, तो बी में जो डेटा रहेगा वो उस एड्रेस में चले जाएगा। यहाँ पे जो भी एड्रेस रहेगा, जैसे मेरा 1002 है, तो मेमोरी में 1002 जो लोकेशन रहेगा वहां पे बी का डेटा जो रहेगा, बी का डेटा सपोज मेरा 56H है, मतलब हेक्साडेसिमल नंबर, तो 56 यहाँ पे मूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेम उसकी उल्टी इंस्ट्रक्शन, इसका भी एड्रेसिंग मोड वही आएगा, क्या आएगा, रजिस्टर इनडायरेक्ट, और वन बाइट इंस्ट्रक्शन है ये। तो ये हो गई आप लोगों की ये थर्ड थी अपनी, मेरा भी अपन फोर्थ देखेंगे, ठीक है, फोर्थ भी इजी है। फोर्थ अभी हम लोग देखेंगे, फोर्थ हमारी रहेगी एम वी आई आर कॉमा डेटा,
MVIR, data. MV का मतलब होता है, MVI का मतलब होता है move immediately. ठीक है, move immediate मैं लिख देता हूँ फिलहाल के लिए. MVI का मतलब होता है मूव इमीडिएट. हम लोगों ने इमीडिएट एड्रेसिंग देख चुके हैं, जहां पे आप लोग सोर्स में क्या यूज करते हो, डेटा का यूज करते हो. तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डेटा है या पे सोर्स, सोर्स क्या है, डेटा है. तो जब भी डेटा आ जाएगा उसका एड्रेसिंग क्या हो जाएगा, इमीडिएट एड्रेसिंग हो जाएगा. तो सीधी सी बात है, इसका एड्रेसिंग क्या हो जाएगी, इसकी इमीडिएट एड्रेसिंग हो जाएगी. ठीक है, इमीडिएट एड्रेसिंग आप लोग ये लिख लेना, इमीडिएट एड्रेसिंग आप लोगों के बुक में दिया है. ठीक है, अब देखो ये कितने बीट की इंस्ट्रक्शन है वो भी आप लोगों को देखना पड़ेगा. तो देखो जब भी हम लोग डेटा यूज करते हैं तो डेटा 8 बीट का होता है, ये ध्यान रखना. और पूरी इंस्ट्रक्शन कितने बीट की होती है, 8 बीट की होती है. तो पूरी इंस्ट्रक्शन 8 बीट की और डेटा 8 बीट का, तो अपना टोटल जो साइज है वो कितना हो गया, 16 बीट हो गया. 16 बीट मतलब 2 byte. तो इसका जो साइज रहेगा ना, इस इंस्ट्रक्शन का टोटल जो साइज रहेगा वो रहेगा 2 byte. ठीक है, 2 byte इसका साइज रहेगा, 2 byte इसका साइज है. ठीक है, डेटा को पकड़ के. तो इसमें एक्चुअल में देखो क्या होगा, मैं आप लोगों को डायरेक्टली एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ. जैसे अगर मैंने MVI और R में जैसे मैंने एक बी लिख दिया, बी नहीं लिखा मैं, यहाँ इसको चेंज कर देता हूँ. इसमें सपोज मैंने डी लिख दिया और यहाँ पे डेटा लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पे डेटा लिखा 8515 हेक्साडेसिमल में. ठीक है, ये हेक्साडेसिमल बताना जरूरी है यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो डेटा है अपना, ये डेटा कहाँ मूव हो जाएगा, ये जो डी रजिस्टर है उस डी रजिस्टर में ये डेटा मूव हो जाएगा. ठीक है, सिंपल सी चीज है. हम लोग क्या करते हैं, मूव इमीडिएट, मूव इमीडिएटली हम लोग क्या यूज करते हैं, डेटा का यूज करते हैं. तो डेटा डायरेक्टली मूव हो जाएगा डी रजिस्टर में. ठीक है, ज्यादा इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतनी चीज याद रखोगे. MVIR डेटा, इसका एड्रेसिंग क्या हो जाएगा, इमीडिएट एड्रेसिंग रहेगी, साइज कितना रहेगा, 2 byte का रहेगा. और MVI एक एग्जांपल दे देना, इस एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझ में आएगा कि ये जो डेटा है ये डेटा मूव कहाँ हो जाएगा, डी में. ठीक है, डी एक रजिस्टर है, यहाँ पे आप लोग कुछ भी यूज कर सकते हो, ए भी यूज कर सकते हो, बी भी यूज कर सकते हो, सी डी एच एल. तो ये हो गया अपना फोर्थ नंबर का MVIR, data. MVIR, data मतलब मूव इमीडिएट की अपनी पहली वाली इंस्ट्रक्शन. अब देखो हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करते हैं इसी इंस्ट्रक्शन में. अब इस इंस्ट्रक्शन में मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन जिसमें अपन R की जगह M रखेंगे, क्या रखेंगे, R की जगह M रखेंगे, ये अपनी फिफ्थ नंबर की हो जाएगी. अब देखो ये M का मतलब तो आप लोगों को पता है क्या है, HL pair, मतलब एक एड्रेस. उस एड्रेस में ये जो डेटा रहेगा वो डेटा क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा. अब इसका एड्रेसिंग आप लोग क्या बोलोगे, अब इसकी एड्रेसिंग को आप लोगों को ऐसा कुछ बोलना पड़ेगा, इमीडिएट इनडायरेक्ट, इमीडिएट इनडायरेक्ट ऐसे एड्रेसिंग इसको आप लोग बोल सकते हो. ठीक है, इमीडिएट इनडायरेक्ट. और ये जो इंस्ट्रक्शन है ये भी 2 byte की है क्योंकि हम लोग यहाँ पे डेटा यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो मतलब इसमें ये HL है, M का मतलब है HL. अगर सपोज 1004 अगर इसका एड्रेस है, HL में अगर 1004 अगर है, तो 1004 जो मेमोरी लोकेशन रहेगा उसमें ये डेटा क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा. तो ये भी काफी सिंपल सी इंस्ट्रक्शन है फिफ्थ नंबर की, MVIM, data. ओके, तो ये हो गई अपनी 5 इंस्ट्रक्शन मूव वाली. अभी हम लोग नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन भी सारी इजी है, ज्यादा कुछ ऐसा हार्ड नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ी सी अभी लेंथली जो है वो आने वाली है. तो नेक्स्ट है अभी अपनी LXI, LXI RP, 16 बिट डेटा, या फिर डेटा में 16 लिखता हूँ, आपकी बुक में भी ऐसा ही है, डेटा 16. अब देखो ये क्या चीज है भाई, अब यहाँ पे ना ये आप लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये अपनी इंस्ट्रक्शन है सिक्स नंबर की. तो यहाँ पे देखो अभी अपनी इंस्ट्रक्शन कैसे काम कर रही है, क्या चीजें रही, ये अभी अपने को यहाँ पे सब देखना पड़ेगा. ओके, तो सबसे पहले LXI, I का मतलब तो इमीडिएट है, डायरेक्टली समझ लो इसका मतलब है इमीडिएट. अब इमीडिएट आ गया मतलब अपन यहाँ पे सोर्स में क्या यूज करने वाले, डेटा यूज करने वाले. L का मतलब होता है लोड, ठीक है, लोड कर रहे अपन, टाइम में लोड कर रहे वो भी अपने को देखना है. ये X का मतलब होता है पेयर, ये क्या दिखाएगा, पेयर दिखाएगा. ठीक है, ये L, ये मतलब X जो है ये पेयर दिखाएगा. ओके, देखो आप लोग इंस्ट्रक्शन में नेक्स्ट आप लोग देख रहे पा रहे हो RP का मतलब होता है रजिस्टर पेयर. ओके, रजिस्टर पेयर के बाद में डेटा 16. यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो हम लोग जो माइक्रो प्रोसेसर देख रहे हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, जिसमें आप लोग 8 बिट से ही डेटा को कैलकुलेट कर सकते हो. जो रजिस्टर्स अपने हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी ई हो गया, एच एल हो गया, सब 8-8 बिट रजिस्टर है. आप लोग 16 बिट का जो डेटा है वो एक रजिस्टर में नहीं रख सकते, उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर आप लोगों को 16 बिट अगर डेटा अगर स्टोर करवाना है कहीं,
तो आप लोगों को दो रजिस्टर्स का यूज करना पड़ेगा। जैसा अगर मेरा डेटा अगर कुछ ऐसा है 5012 हेक्साडेसिमल में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 50 को अलग लिखना पड़ेगा, मतलब 50 को अलग स्टोर करना पड़ेगा और ये 12 को अलग स्टोर करना पड़ेगा। मतलब ये अपन लेके एक ये अलग हो जाएगा, ठीक है, ये एक अलग हो जाएगा, ये एक अलग हो जाएगा, मतलब ये 8 बिट का डेटा एक रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा, ये 8 बिट का डेटा एक रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसका यूज कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ, ठीक है। अपने को क्या करना है, लोड करना है। अब लोड करने का मतलब ये है कि रजिस्टर पेयर पहले से खाली रहेंगे, उस रजिस्टर पेयर पे अपन डेटा को क्या कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं। जैसे अपन कोई ट्रक वगैरह जैसे लोड होता है ना, मतलब खाली रहता है फिर उसमें सामान डाला जाता है, मीन्स वो लोडिंग होगी। तो अपने को रजिस्टर पेयर को अभी लोड करना है किससे, 16 बिट डेटा से। कौन सा डेटा अपन यूज करने वाले, 16 बिट डेटा यूज करने वाले। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बताता हूं। देखो इसकी एड्रेसिंग क्या आ जाएगी वो भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। इसकी एड्रेसिंग आ जाएगी इमीडिएट इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट इमीडिएट आप लोग इसको कह सकते हो, इनडायरेक्ट इमीडिएट इसका। और इसका साइज भी आप लोगों को देखना पड़ेगा कि इसका साइज कितना होगा। तो देखो जो इंस्ट्रक्शन होती है वो इंस्ट्रक्शन का साइज 1 byte होता है, सिंपल सी चीज है। इंस्ट्रक्शन अगर है तो उसका साइज 1 byte है। अब यहाँ पे आप लोग डेटा कितने बीट का यूज कर रहे हो, 16 byte का कर रहे हो, 16 byte मतलब 2 byte, तो मतलब टोटल जो साइज हो जाएगा इसका 3 byte साइज हो जाएगा, ये बोलना मत, 3 byte इसका साइज हो जाएगा। एड्रेसिंग क्या हो जाएगी, एड्रेसिंग आप लोग डायरेक्ट ऐसा लिख लो, क्या हो जाएगी, इनडायरेक्ट इमीडिएट बोल देना, डायरेक्टली इनडायरेक्ट इमीडिएट है ये, आपके बुक में भी ऐसा ही दिया गया। एग्जाम्पल देखते हो, अभी एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझ में आएगा। ये एलेक्स है तो जैसा का वैसा रहेगा। एलेक्स आई के बाद में आप लोगों को रजिस्टर पेयर लिखना पड़ेगा। अब रजिस्टर पेयर आप लोग ऐसे लिख सकते हो, रजिस्टर पेयर पहले आप लोगों को कौन से वो देखना पड़ेगा, बीसी है, डीई है और एचएल है। बी के साथ सी यूज होगा, डी के साथ ई होगा, एच के साथ एल ई होगा, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे रजिस्टर पेयर लिखना पड़ेगा। अब रजिस्टर पेयर आप लोगों ने अगर बी लिखे ऐसा, इसका मतलब ये होगा कि ये बी सी पेयर आप लोगों को, मतलब बी सी पेयर आप लोगों का यूज होने वाला है। मतलब यहाँ पे ऐसा बी सी ऐसा नहीं लिखना होता, एक ही लिखना पड़ता है स्टार्टिंग वाला। जैसे बी लिख सकते हो, डी लिख सकते हो, एच लिख सकते हो। बी लिखोगे तो बी सी पेयर, डी लिखोगे तो डी ई पेयर, एच लिखोगे तो एच एल पेयर। ओके, तो आप लोग ऐसा लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे बी लिखूंगा तो बी का मतलब हो जाएगा बी सी, एक्स का मतलब ही ये दिखाता है कि वो पेयर यूज करने वाला है। क्या यूज करने वाला है, पेयर यूज करने वाला है। तो मैं डायरेक्टली बी लिख दिया, बी का मतलब हो जाएगा पेयर, बी सी। ओके, अब इसके बाद में कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद अपने को 16 बीट अभी यहाँ पे डेटा लिखना है। तो मैं जैसे यहाँ पे 16 बीट एक डेटा लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ सपोज 101A, ये मेरा 16 बीट डेटा है। हेक्साडेसिमल में नंबर्स होते हैं, ये भी आप लोग को नहीं भूलना है, हेक्साडेसिमल में नंबर्स होते हैं यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर में। तो ये 101A एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसका मीनिंग तो आप लोगों को पता है। ओके, तो ये सपोज एक अपना डेटा है, ये क्या हो जाएगा, ये डेटा लोड हो जाएगा बी सी में। कहाँ पे लोड हो जाएगा, बी सी में लोड हो जाएगा। बी सी में किस तरीके से लोड होगा वो देखो, अभी मैंने आप लोगों को इसको थोड़ा मीठा के एच एल की हेल्प से बताता हूँ। एच एल की हेल्प से मैं यहाँ पे एच यूज करता हूँ, एच एल की हेल्प से समझ में आएगा। मैं यहाँ पे एक छोटी सी मेमोरी बना लेता हूँ, ये अपनी मेमोरी बन गई, ठीक है, ये मेमोरी। अब देखो मेमोरी में जो सबसे हायर बाइट होते हैं वो हायर बाइट नीचे से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, हायर बाइट, फिर उससे लोअर 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 ऊपर, फिर सबसे लोअर। जैसे अगर मुझे HL ये जो डेटा है ये अगर मुझे स्टोर करवाना है, तो अपना एक H रहेगा यहाँ पे और एक L रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ये कुछ ऐसा रहेगा, H रहेगा और ये L रहेगा, दोनों एक दूसरे के साइड में ही रहेंगे। तो H में सपोज यहाँ पे अपना क्या स्टोर होगा वो अपने को देखना पड़ेगा। यहाँ पे ये 10 और 1 है, यहाँ पे 10 और ये 1 है, यहाँ पे जो है ये लोअर बाइट है, ठीक है, ये लोअर बाइट है, मैं L बाइट लिख दिया, और ये जो 10 है ये हायर बाइट है, ये क्या रहेगा आपका हायर बाइट रहेगा। तो जो 1A है ये 1A आप लोगों का L रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा, और ये जो आप लोगों का 10 है ये 10 हायर बाइट पे स्टोर हो जाएगा। तो ये जो 10 है ये H में चले जाएगा, और ये जो 1A है ये किस में चले जाएगा, L जो है रजिस्टर उसमें चले जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो डेटा है वो स्टोर होता है रजिस्टर्स में, ठीक है, रजिस्टर पेयर्स में। तो अगर आप लोगों को लोड करवाना है इमीडिएटली डेटा को, तो आप लोग LXI H लिखो, मतलब LXI और यहाँ पे पेयर लिखो, जो भी आप लोग पेयर, अगर आप लोग BC यूज करते हो तो BC में भी ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा कुछ BC आ जाएगा, DE में भी कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे DE आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है LXI रजिस्टर पेयर डेटा 16, ये वाली ये जो इंस्ट्रक्शन है ये आप लोग यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं,
ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन काफी इजी है। तो देखिए अभी अपनी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ जाती है सेवेंथ नंबर की, LDAADDR, ये अपनी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है सेवेंथ नंबर की। अब देखो इसमें क्या होगा, अब ये जो है डायरेक्ट एड्रेसिंग वाली है, ठीक है। मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेसिंग नहीं लिखता, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट मैंने लिख दिया। इसका फुल फॉर्म आप लोग समझ पा रहे होगी, यहाँ पे अपन ने एड्रेस लिखे, ठीक है। ये जो ADDR आप लोगों को दिख रहा है ये एड्रेस है। अब देखो अभी तक हम लोगों ने रजिस्टर यूज किए, सोर्स में डेटा यूज किए, अभी हम लोग क्या करने वाले, अभी हम लोग यूज करने वाले एड्रेस, क्या क्या यूज करने वाले, डायरेक्ट हम लोग एड्रेस लिख देंगे। तो ये इंस्ट्रक्शन देखो कितने बीट की है वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो देखो एड्रेस जो होता है हमेशा कितने बीट का होता है, 16 बीट का होता है, और इंस्ट्रक्शन एक बाइट की, तो मतलब ऐसे टोटल कितने बाइट हो गए, 3 बाइट हो गए। तो इंस्ट्रक्शन का जो साइज रहेगा वो साइज तो 3 बाइट रहेगा, ठीक है, 3 बाइट इसका साइज रहेगा, 3 बाइट इसका साइज रहने के बाद में इसका एड्रेसिंग क्या आ जाएगा। अब एड्रेस का यूज कर रहे तो ये डायरेक्ट एड्रेसिंग में है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने पहले यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेस डायरेक्ट लिख ली है, तो ये डायरेक्ट एड्रेसिंग में आएगा। देन आफ्टर अभी देखो क्या आएगा, इसमें एक्चुअल में होता क्या है, इसमें लोड होता है आपका एक्यूमुलेटर, ये LDA का मतलब होता है लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट। तो एड्रेस से डेटा आप लोगों का लोड होने वाला है कहाँ पे, एक्यूमुलेटर में लोड होने वाला है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, LDA और यहाँ पे कोई एक एड्रेस दे लेंगे डायरेक्ट, मैंने ऐसा दे दिया 1001H। तो 1001 जो H है ये क्या है, ये एड्रेस है। तो जैसे अगर मेमोरी है और इस मेमोरी में जैसे ये 1001H जो है, ये 1001H जो एड्रेस रहेगा, इस एड्रेस में जो कंटेंट रहेगा, जैसे मेरा यहाँ पे 50H, क्या है 50H, इसमें अगर मेरा डेटा है इस एड्रेस में, तो इस एड्रेस का जो डेटा रहेगा वो एक्यूमुलेटर में क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा, मतलब एक्यूमुलेटर में चले जाएगा। तो आप लोग एक्यूमुलेटर में डेटा इस तरीके से डाल सकते हो एड्रेस की हेल्प से भी। तो अपने को क्या लिखना पड़ेगा, अगर आप लोग किसी एड्रेस से अगर एक्यूमुलेटर में डेटा अगर पुट करना चाहते हो तो LDAADDR मतलब एड्रेस, ये एड्रेस में आप लोगों का कुछ ऐसा एड्रेस आएगा, तो LDA लिखोगे और ये कुछ ऐसा एड्रेस लिख दोगे, ठीक है, जिस एड्रेस से आप लोगों को डेटा को उठाना है। तो इस तरीके से ये इंस्ट्रक्शन जो है वो वर्क करती है। एट नंबर की इसकी उल्टी है ऐसे आएगी STA और यहाँ पे आ जाएगा एड्रेस। इसमें देखो क्या होता है, अब देखो आप लोग एड्रेस से एक्यूमुलेटर में डेटा तो ला लिया है, अगर आप लोगों को एक्यूमुलेटर से अगर एड्रेस में अगर डेटा को अगर आप लोगों को मूव करवाना है या फिर आप लोगों को एड्रेस में लोड करवाना है, इसका कुछ ऐसा आ जाएगा, इसका आ जाएगा स्टोर एक्यूमुलेटर, इसका फुल फॉर्म है स्टोर एक्यूमुलेटर डायरेक्ट। एक्चुअल में ये इंस्ट्रक्शन में होता क्या है, मैं आप लोगों को डायरेक्टली एक एग्जांपल से समझा के देता हूँ, और ये भी 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है और डायरेक्ट एड्रेसिंग वाली है, क्योंकि अपन यहाँ पे एड्रेस का यूज कर रहे हैं। एक्चुअल में देखो इसमें होगा क्या, इसमें एक्यूमुलेटर का डेटा एड्रेस में जाता है, क्या होता है एक्यूमुलेटर का डेटा एड्रेस में जाता है। तो जैसे अगर मैंने एग्जाम्पल लिखा STA और यहाँ पे एड्रेस लिख दिया 1001H, तो क्या होगा एक्यूमुलेटर में जो भी डेटा रहेगा वो इस पर्टिकुलर एड्रेस में क्या चले जाएगा, ठीक है, मतलब उसमें लोड हो जाएगा, लोड नहीं बोल सकते अपन, इसमें मूव जैसा अपन बोल सकते, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर का डेटा कहाँ पे चले जाएगा, इस एड्रेस में चले जाएगा, ठीक है, इस एड्रेस में स्टोर हो जाएगा। तो काफी सिंपल सी ये इसकी बिल्कुल उल्टी है। तो LDA और STA ध्यान में रखोगे डिफरेंस, इसका आप लोगों को पता होना चाहिए। LDA में क्या होता है एड्रेस से डेटा एक्यूमुलेटर में जाता है, और STA में क्या होता है एक्यूमुलेटर से एड्रेस में डेटा जाता है, ठीक है। तो ये हो गई आप लोगों की टोटल 8 इंस्ट्रक्शंस। तो आई होप आप लोगों को ये जो 8 इंस्ट्रक्शंस है ये समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस देखते हैं हम लोग, अभी आप लोगों को और टोटल 5 इंस्ट्रक्शंस इसमें देखनी है। लेक्चर लंबा हो रहा है लेकिन आप लोग स्किप करके बाद में भी देख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, एक साथ हम लोगों को सारा का सारा पढ़ना नहीं चाहिए, आप लोग बाद में भी देख सकते हो। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अभी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है अपनी 9th नंबर की आ जाएगी LHLD और यहाँ पे आ जाता है एड्रेस, ठीक है, एड्रेस आ जाएगा। इसमें देखो क्या हो रहा है, तो इसमें जो एड्रेस रहेगा वो एड्रेस में जो डेटा रहेगा वो डेटा HL pair में जा रहा है, बोलता है एड्रेस का डेटा HL pair में जा रहा है।
एड्रेस का डेटा एच एल पेयर में जा रहा है, ये कुछ आप लोगों के बात पर लेनी पड़ी होगी, क्योंकि एड्रेस तो एक 16 बिट का है, 16 बिट का एक एड्रेस रहेगा, उस एड्रेस में तो एक ही डेटा रहेगा बोलोगे आप लोग। लेकिन एक्चुअल में ये देखो, ये जो इंस्ट्रक्शन ये कैसे वर्किंग करती है मैं आप लोगों को अभी समझा के देता हूँ। एक्चुअल में ये जो होता है ना, ये 16 बिट वाला यूज है, ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, ये भी ध्यान रखोगे, और डायरेक्ट एड्रेसिंग वाली है, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस यूज हो रहा है। एक्चुअल में होता क्या है इसमें, ये देखो एच एल मतलब पेयर, आप लोगों को पता है मतलब दो रजिस्टर, ठीक है, दो रजिस्टर है, एक आ जाएगा आप लोगों का एच आ जाएगा और एक एल आ जाएगा, ठीक है। अब एड्रेस है 1001, हम लोगों ने सपोज यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए 1001, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो 1001 मैं मेमोरी भी बना लेता हूँ, ये मेमोरी बना ली है, ये मेमोरी, ठीक है, अपनी ये मेमोरी है, और ये है सपोज इसमें 1001 और 1002, नहीं तो मैं ऐसा लिखता हूँ 1001 लिखता हूँ, नहीं नहीं ये ठीक है, ठीक है 1001 और 1002, और ये 1003 लिख देता हूँ, 1004 लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इस एड्रेस में डेटा है, ठीक है, इस एड्रेस में डेटा है कितने, सिर्फ वहां पे तो 1 बाइट का ही डेटा रहेगा, लेकिन कैसा डेटा रहेगा वो देखो, हम लोग पेयर में डेटा डाल रहे हैं, मतलब अपन 16 बिट डेटा डालने वाले, तो हम लोग यहाँ पे जो एड्रेस लिखते हैं या अपन जो नंबर रहेगा अपना, जैसे जो भी डेटा रहेगा 16 बिट का, जैसे मेरा अगर ये नंबर है 51501, तो ये 01 एक अलग रहेगा, ये 15 अलग रहेगा, तो 15 जो रहेगा ये 1002 में रहेगा, ठीक है, और 01 जो रहेगा ये 1001 में रहेगा, ठीक है। तो एक्चुअल में ये स्टोर कुछ इस तरीके से होगा, तो 15 जो रहेगा ये 15 आप लोगों का रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा ये 15, और 01 जो रहेगा ये 10 मतलब 1001 में रहेगा और 1002 में रहेगा। शायद आप लोगों को अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अपन डेटा कौन सा स्टोर करने वाले हैं, यहाँ पे लोड करने वाले 16 बिट डेटा लोड करने वाले एच एल पेयर में। तो ये मैंने 1501, ये 15 आप लोगों का आ जाएगा 1002 में, और 1001 में आ जाएगा 01। तो इसमें क्या होगा, ये जो 1001 है, तो 1001 में जो डेटा रहेगा वो जाता है सबसे पहले L में जाता है, ठीक है, 1001 का डेटा जाएगा L में, तो L जो रहेगा अपना L पहले L में डेटा आ जाएगा, तो L में अभी अपना कौन सा डेटा है 1001 में क्या है 01 है, तो ये 01 पहले L में चले जाएगा, फिर उसके सक्सेसिंग एड्रेस में, उसके सक्सेडिंग एड्रेस मतलब प्लस वन एड्रेस, एकदम उसके बाद वाला एड्रेस जो रहेगा उसका जो डेटा रहेगा वो चले जाएगा हायर में, ठीक है, मतलब ये एच में चले जाएगा, तो एच में आ जाएगा आप लोगों का 15। आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन वो कंफ्यूजन अभी क्लियर हो जाएगा। तो अपन एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, एचएल में डेटा को लोड करने वाले, एचएल पेयर में अपने को डेटा को लोड करना है। अब एचएल का क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग, पेयर का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने को 16 बिट डेटा को लोड करना है, वो भी कहां से करना है, एक पर्टिकुलर एड्रेस से करना है, तो अपन तो दो एड्रेस तो नहीं देंगे, 1001 भी अलग देना पड़ेगा, 1002 भी देना पड़ेगा, तो वैसे अपने को दो नहीं देने, एक ही देना है, ठीक है, जो स्टार्टिंग वाला जो आप लोगों का एड्रेस रहेगा वो स्टार्टिंग वाला एड्रेस दे दो, ठीक है, मतलब लोअर बाइट का एड्रेस दे दो, आप लोग लोअर बाइट का एड्रेस दोगे तो वो एल में चले जाएगा, और फिर हायर बाइट का एड्रेस वो खुद ही ले लेगा प्लस वन करके, ठीक है, प्लस वन करेगा तो हायर बाइट का जो डेटा रहेगा, ठीक है, मतलब हायर एड्रेस का जो भी डेटा रहेगा वो एच में चले जाएगा। तो इस तरीके से ये जो इंस्ट्रक्शन ये वर्क करती है, एड्रेसिंग है इसकी डायरेक्ट 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है, और इसमें क्या होता है आप लोग अभी समझ चुके हो, ठीक है। तो ये एल एच एल डी एड्रेस है, इसकी उल्टी है फिर डायरेक्टली 10th नंबर की एस एच एल डी एल डी आर, ये मतलब एड्रेस इसका सेम उल्टा। इसमें क्या होगा, इसमें जो ये जो पेयर है अपनी एच एल पेयर, अगर इसमें अगर कोई डेटा है वो उस एड्रेस में चले जाएगा, ठीक है, उस एड्रेस में देखो कैसा जाएगा, ये भी सेम आएंगी और डायरेक्ट एड्रेसिंग वाली है, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। अब देखो एच एल में सपोज डेटा है, क्या है डेटा है, अब एच एल में देखो ये एग्जांपल पकड़ लो, एल में मेरा है 01 और 15 है, ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसमें अगर मैं ऐसा अगर लिखता हूँ एस एच एल डी और यहाँ पे लिखता हूँ 1001 एच, तो ये अपना एड्रेस है, क्या है एड्रेस है, तो इसमें जो सबसे पहले लोअर बाइट का जो रहेगा अपना, ठीक है, एल जो रजिस्टर रहेगा इसका डेटा पहले ये 1001 में चले जाएगा, उसके बाद में क्या होगा 1001 प्लस 1 में ये एच का डेटा मूव हो जाएगा, ठीक है, मतलब पहले अपन क्या कर रहे थे, एड्रेस से डेटा पेयर में डाल रहे थे, अब पेयर से एड्रेस में डाल रहे थे। तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा, इसका एकदम उल्टा है, ठीक है। अब
एल का मैंने कहा जाएगा वो ना जो अपन यहाँ पे एड्रेस देंगे वो, फिर उसका सक्सीडिंग एड्रेस मतलब उसके एकदम बाद वाला मतलब प्लस वन, तो प्लस वन वाले एड्रेस में ये अपना हायर वाला चले जाएगा, ठीक है, मतलब एच रजिस्टर का डेटा मूव हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन लोड कर सकते हैं पेयर को, ठीक है, और एड्रेस से पेयर में और पेयर से एड्रेस में। तो ये होगा आप लोगों की टोटल 10 इंस्ट्रक्शंस। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गई होगी, अगर कुछ अगर डाउट रहे तो आप लोग पूछो और आप लोग खुद भी पढ़ो, और इसमें अगर कुछ कंफ्यूजन अगर ज़्यादा ही है आप लोगों को तो मुझे आप लोग पूछ सकते हो, पढ़ना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आती है ये इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्रामिंग में भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे 11th नंबर की LDAX, RP, ये रजिस्टर पेयर है, ठीक है। अब ये RP देखो कौन कौन सी हो सकती है और ये अभी हम लोग सब देखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, लोड कर रहे हैं रजिस्टर पेयर को रजिस्टर पेयर से, क्या कर रहे हैं लोड कर रहे हैं रजिस्टर पेयर को रजिस्टर पेयर से। अब ये पेयर यहाँ पे यूज हो रहा है तो मतलब ये इनडायरेक्ट रजिस्टर है, ठीक है, इनडायरेक्ट रजिस्टर वाला, डायरेक्ट रजिस्टर नहीं, ये इनडायरेक्ट रजिस्टर वाला एड्रेसिंग हो रही है। अब ये कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन हो सकती है आप लोग खुद ही देख लो। यहाँ पे अपने कोई डेटा भी यूज नहीं किए, कोई एड्रेस भी यूज नहीं कर रहे, तो ये 1 byte की रहेगी, ठीक है, ये 1 byte इसका साइज रहेगा। और क्या रहेगी, रजिस्टर इनडायरेक्ट इसकी एड्रेसिंग रहेगी, ठीक है, रजिस्टर इनडायरेक्ट इसकी एड्रेसिंग रहेगी। इसमें अपन सिंपल सी चीज है, अभी अपन क्या करने वाले हैं, एक्यूमुलेटर को लोड करने वाले बोलता है, एक्यूमुलेटर को लोड करने वाले, लेकिन कहाँ से, इस रजिस्टर पेयर से। अब ये रजिस्टर पेयर में एक्चुअल में देखो क्या रहेगा वो भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे कोई रजिस्टर पेयर यूज नहीं कर रहे और एक्यूमुलेटर क्या रहता है, 8 BT रहता है, तो हम लोग एक्यूमुलेटर को लोड करने वाले हैं एक रजिस्टर पेयर जो रहेगा जिसमें एक एड्रेस रहेगा। हम लोग जैसे एम से लेते थे ना, मतलब HL पेयर से, अब यहाँ से अपन HL को यूज नहीं कर रहे, यहाँ पे अपन कोई एक रजिस्टर पेयर रहेगा, ठीक है, जिसमें अपना एक कोई एड्रेस रहेगा, उस एड्रेस में जो कंटेंट रहेगा उस कंटेंट को अपन लोड करने वाले एक्यूमुलेटर में, ठीक है। मैं आप लोगों को थोड़ा समझा के देता हूँ, उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो जैसे एक मेरी मेमोरी है और इस मेमोरी में एक मेरा रजिस्टर पेयर है, सपोज मेरा यहाँ पे BC है, ठीक है, BC एक पेयर है जिसमें मेरा एक एड्रेस है 10 और ये 01, ये एक मेरा एड्रेस है, ठीक है, ये एक मेरा एड्रेस है। फिर ये अनादर एक मेमोरी का लोकेशन है, इस लोकेशन में ये 1001 है, ठीक है, मतलब ये एड्रेस है, ये एड्रेस कहाँ पे स्टोर कर रखा हो मैंने, BC में स्टोर करके रखा हो। अब इस 1001 में अपना एक डेटा है 10 नहीं, मेरा इसमें सपोज है AB है, ठीक है, AB हेक्साडेसिमल नंबर, AB इसमें स्टोर है 1001 में, और 1001 कहाँ पे, ये BC पेयर में, कहाँ पे, BC पेयर में, मतलब ये रजिस्टर पेयर में है। तो इससे क्या होगा, इससे अगर मैं एग्जांपल के थ्रू अगर देखूँ तो अगर मैं LDAX का मतलब तो पेयर होता है, ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ रजिस्टर पेयर में यहाँ पे बी लिख दिया, सिर्फ क्या लिख दिया, बी लिख दिया, तो बी में जो एड्रेस रहेगा, मतलब वो पूरा इसको कैलकुलेशन कर लेगा, मतलब उस एड्रेस को, ठीक है, मतलब बी का मतलब होता है BC, तो उस एड्रेस में जो भी डेटा रहेगा वो डेटा कहाँ पे चले जाएगा, एक्यूमुलेटर में चले जाएगा, ठीक है, एक्यूमुलेटर में लोड हो जाएगा, और कुछ नहीं है इसमें, 1 byte इंस्ट्रक्शन है, बस उस एड्रेस में एक्यूमुलेटर का डेटा क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। सेम इसकी उल्टी है STAX, RP, इसमें क्या होगा, देखो इसमें अपना एड्रेस रहेगा, सपोज मतलब यहाँ पे अपन तो रजिस्टर पेयर देने वाले, जैसे BC रहेगा, ठीक है, B रहेगा और STAX मैंने लिख दिया, इसमें क्या होगा, जो एक्यूमुलेटर का डेटा है वो क्या हो जाएगा, BC जो रजिस्टर पेयर है उसमें अगर कोई अगर एड्रेस है, मतलब BC में कोई एड्रेस रहेगा, उस एड्रेस में, जैसे मैंने यहाँ पे ये एड्रेस दिया हूँ, ये एड्रेस रहेगा सपोज यहाँ पे 1001 ऐसा पकड़ के चलो आप लोग, तो एक्यूमुलेटर का डेटा इस पर्टिकुलर एड्रेस में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, मतलब सेम इसकी उल्टी। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गई होगी, ज्यादा मैं अगर समझाओगे तो आप लोग और कंफ्यूज होते जाओगे। तो बस इतना ही पढ़ना है अपने को, 11 देख लिए, 12 देख लिए, LDAX, RP, STAX, RP, ठीक है, मतलब रजिस्टर पेयर में क्या रहता है, एड्रेस रहता है, उस एड्रेस में जो डेटा रहेगा वो एक्यूमुलेटर में लोड होगा, इसमें क्या हो जाएगा, रजिस्टर पेयर में एड्रेस रहेगा तो एक्यूमुलेटर का डेटा उस पर्टिकुलर एड्रेस में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो ये 11 और 12 नंबर की हो गई, इसके बाद अभी हम लोग नेक्स्ट वाली देखते हैं 13 नंबर की, और सबसे नहीं ये लास्ट है, और वो लास्ट ये है कि XCHG,
ये अपनी, अब ये एक्स सी एच जी का मतलब ये होता है कि हमारा एच एल जो पेयर है, एच एल पेयर का जो डेटा है वो आप लोगों का बी सी जो पेयर रहेगा उससे क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा बोलता है, ठीक है, मतलब जो भी डेटा रहेगा वो एक्सचेंज हो जाएगा। तो सॉरी मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे बी सी नहीं आएगा, यहाँ पे डी ई आएगा, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे होता क्या है, एच एल पेयर से एक्सचेंज होता है डेटा डी ई से, ठीक है, मतलब क्या होगा, एच का जो डेटा रहेगा वो एक्सचेंज हो जाएगा डी से और एल का जो डेटा रहेगा वो एक्सचेंज हो जाएगा ई से। तो इस तरीके से डेटा क्या होता है इसमें एक्सचेंज होता है, मतलब पेयर टू पेयर एक्सचेंज होता है, ठीक है। एच एल का डेटा चले जाएगा डी ई में और डी ई का डेटा चले जाएगा एच एल में, और कुछ नहीं इसमें एक्सचेंज के। आप लोग देख लो, अब आई होप आप लोगों को ये जो सारी इंस्ट्रक्शंस है ये समझ में आ गई होगी, एक्सचेंज वाले में ज़्यादा कुछ है नहीं, ओके। तो अपने टोटल 13 इंस्ट्रक्शन देख लिए, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया ये, आई होप आप लोगों को सारी इंस्ट्रक्शन समझ में आ गई होगी। आप लोग अपने बुक से थ्योरी पार्ट पढ़ो और ये जो वीडियो है ये साथ में देखो, तो आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, एग्जाम्स में आती है और प्रोग्रामिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आप लोग पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखो और उसमें आप लोग चेकआउट करो कि कौन सी इंस्ट्रक्शन कितने बार पूछी गई है, उसके हिसाब से आप लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी इंस्ट्रक्शन देखने वाले, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।